कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीते कई दिनों से कोरोना के बढ़ते मामलों के लेकर लगातार मोदी सरकार को घेर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण और इससे होने वाली मौत के आंकड़ों को लेकर झूठ बोल रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी ने झूठ को संस्थागत रूप से दे दिया है। पहला, कोविड 19 की टेस्ट संख्या कम करके और इससे हो रही मौतों की संख्या को कम बताकर। दूसरा, जीडीपी की गणना के लिए एक नया तरीका अपनाकर। तीसरा, चीनी घुसपैठ पर मीडिया को डरा धमका कर। ये भ्रम जल्द ही टूटेगा और भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राहुल गांधी ने ये ट्वीट वॉशिंगटन पोस्ट की उस रिपोर्ट पर की है जिसमें अखबार ने भारत में कोरोना से हो रहे कम मौतों को रहस्यमय बताया है। अखबार ने लिखा है कि भारत में अब कोरोना केस 10 लाख तक पहुंच गए हैं। इसके साथ ही भारत अमेरिका और ब्राजील के साथ उन देशों के क्लब में शामिल हो गया है जहां कोई नहीं जाना चाहता है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इससे पहले ट्वीट कर कहा था कि अगर कोरोना वायरस इसी तेजी से फैला तो 10 अगस्त तक संक्रमण के मामले 20 लाख के पार चले जाएंगे। न्यूज़ डेस्क।